वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ स्प्रिंट 9 2021। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा थर्ड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। आज हम करेंगे उसका पहला सेशन, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। आई एम अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट विदाउट होपिंग ऑल माई डियर स्टूडेंट्स आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। चलो शुरू करते हैं, फटाफट नजर डालते हैं कि नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के कौन से टॉपिक्स हम करने वाले हैं। बच्चे ये सारे टॉपिक्स जो है हम रिवाइज करेंगे, आज पहले दो करेंगे, तो फटाफट शेड्यूल की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द शेड्यूल। ये हमारा सोशल साइंस का शेड्यूल है। अगर आपने कोई भी सेशन पहले मिस कर दिया है, अगर आप आगे मिस नहीं करना चाहते हो, ये आपके रेफरेंस के लिए है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। दिस इज फॉर इंग्लिश, सबसे पहले मैंने सोशल साइंस का शेयर किया है, अब ये मैथ्स का है, दिस इज फॉर फिजिक्स, केमेस्ट्री एंड बायो। On that note, guys, don't forget to hit the like button. Like button फटाफट हिट कर दो अगर ऑलरेडी नहीं किया है, क्योंकि I'm sure आप सब बहुत excited हो for this session. And of course, do not forget to share it with your friends. Keep sharing with your friends. उनको भी बताओ कैसा लग रहा है session. Let them also use the Sprint 9 to their, for their best interest. And do not forget to subscribe if you have not already. अगर आपने already subscribe नहीं किया है तो फटाफट वो भी कर लीजिए, क्योंकि अभी सेशंस आते रहेंगे एंड यू डू नॉट वांट टू मिस ऑन एनी सेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट्स, यू हैव टू स्टे सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है। चलो, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन दैट वाज गिवन इन द लास्ट सेशन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप व्हिच शेल्ड द विंटर पैलेस? बच्चा द आंसर इज बी, ऑरोरा। एंड लेट्स क्विकली लुक एट द लीडर बोर्ड, बट दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस सेशन व्हिच इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, सेशन नंबर 1। होमवर्क क्वेश्चन सेशन नंबर 2 का है, ठीक है। तो आनंदी मेहता, इकरा माज, रमन सिंह पायक, आदित्य त्रिपाठी एंड विजय दांगरे हैव आंसर द फास्टेस्ट एंड मेड देयर प्लेस ऑन द लीडर बोर्ड, व्हिच आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ। गाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल, माय हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और जिन्होंने मिस कर दिया ये अपॉर्चुनिटी, आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। वन, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, ताकि जैसे सेशन है आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए। नंबर 2, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुटिंग एन आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, नॉट जस्ट इन द लाइव चैट, ठीक है। चलो इसी बात पे शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। इफ यू आर पॉजिटिव यू विल सी अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। बिल्कुल, पर्सपेक्टिव की बात है, सब कुछ उसका ही खेल है। इट मैटर्स अलॉट कि आप कौन से लेंसेज से देख रहे हो। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होकर, पॉजिटिव होकर के वो अप्रोच लेकर देखोगे ना, तो छोटी सी चूज, छोटी हर्डल भी जो सच में हर्डल हो सकती है, वो आपको अपॉर्चुनिटी जैसी लगने लगेगी, वो आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस जैसी लगने लगेगी, एंड यू वुड वॉन्ट टू मूव ऑन बियॉन्ड दैट। बट जस्ट इन केस इफ दैट इज नॉट द केस, आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होकर चल रहे हो, तो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी कई बार ऑब्स्टिकल जैसी लगने लगती है। सब कुछ आपके हाथ में, सब कुछ परसेप्शन की बात है। सो मेक श्योर कि आप जब भी देख रहे हो, आप हर चीज पॉजिटिवली देख रहे हो। अगर कुछ फेलियर हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, मैथ्स का एग्जाम नहीं हो रहा है, तो देखो कि आप वहां से सीख रहे हो कि क्या गलती हो रही है, और आप वो कभी दोबारा नहीं करोगे। डोंट थिंक यार ये इतना डिफिकल्ट है कि ये टाइप का समझो मुझे बनेगा ही नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। एंड दिस गोज फॉर एवरीथिंग। हिस्ट्री बहुत बोरिंग है यार, क्योंकि इसमें डेट्स है। अरे, डेट्स के थ्रू टाइमलाइन बनाओ, मैप्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ, एंड देन ट्राई टू रिमेंबर इट, ओके। चलो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 1 मार्क। Where was the International Military Tribunal set up to prosecute the Nazi war criminals? तो जब Nazi war हो गई थी, तो दूसरे जो winning blocks थे, उन्होंने एक setup किया था International Military Tribunal का, उन लोगों के लिए जो उन्होंने इतने inhumane तरीके से, इतनी ज़्यादा brutality के साथ लोगों के साथ behave किया था। तो ये कहाँ setup हुआ था? बच्चों, आई वुड हैव टोल्ड यू सम शॉर्टकट्स टू दिस, आई वुड हैव गिवन सम एक्सप्लेनेशन टू दिस, बट दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चन में हमें फैक्ट्स ही पता होने चाहिए, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, न्यूरेमबर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हुई थी सेटअप इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द नाजी क्रिमिनल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, What was Adolf Hitler's propaganda? Sorry, who was Adolf Hitler's propaganda minister? गबल्स, बिस्मार्क, बेनिटो मुसोलिनी और ज़ारमार शासित। बच्चा ये दोनों तो नहीं है, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। उनके बारे में आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट डे पढ़ोगे। तो पहले और आखिरी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन इसको दूर कर दीजिए, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों ने मिलकर अल्टीमेटली वॉर के बाद सुसाइड भी कर लिया था, बिकॉज दे वर काइंड ऑफ स्केयर्ड ऑफ वॉट विल हैपन टू देम आफ्टर द काइंड ऑफ इनह्यूमेन ट्रीटमेंट दैट दे हैड गिवन टू द अदर सिटीजन्स, ठीक है। चलो, विक्टिम्स के साथ जो उन्होंने किया था। मूविंग ऑन टू द थर्ड 1 मार्क क्वेश्चन, Which plan did Americans introduce to ease Germany's burden?
Berlin plan, Dawes plan, the great economic plan or none of the above. The great economic disaster was a plan nahi tha, theek hai? Berlin ka bhi koi plan nahi tha. The correct answer is B, D is also wrong. It was the Dawes plan. Kyunki Sir Dawes ne introduce kiya tha, to iska naam unke upar hi rakh diya gaya hai. अब उनके लिए तो एक प्लान था, उनकी जो इकोनॉमिक डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट की थी अमेरिकन से जितना ज़्यादा जितने कैपेसिटी में कर सकते थे जब तक उनके लिए था तब तक. आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट करें, आपकी प्रॉब्लम भी है, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, प्रिपरेशन कैसे होगा, तो उसका भी सोल्यूशन हमने निकाल लिया है. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्विजेस मिलेंगे जिसके साथ आप कंपीट कर सकते हो विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. यू गेट अन नंबर ऑफ इंटरक्टिव रीप्लेस, सारे रीप्लेस में बिल्कुल लाइव सेशन जैसे लाइव क्विजेस होंगे विच इज गोइंग टू मेक योर लाइफ सुपर डुपर फन. एट द सेम टाइम कॉन्टेंट हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर्स के साथ अवेलेबल होने वाला है. बहुत सारी डाउट और सॉल्विंग जो है ना, डाउट सॉल्विंग वो आपकी क्लास में हो जाएगी. आपको उसके ऊपर से एक्स्ट्रा सेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दो लोग, क्लास टीचर्स और मास्टर टीचर्स दोनों मिलकर के ये कर रहे होंगे आपके लिए. एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आपके साथ हर सेशन पे शेयर होते हैं. बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जो क्रैश कोर्सेज हैं अभी फाइनल प्रेप के लिए, पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए, माइक्रो सेशन है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के लिए, चाहे वो ग्रामर का हो, मैथ्स का हो, सोशल साइंस का हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो, बायो का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, ये सब कुछ है आपके लिए अवेलेबल बिल्कुल फ्री इन वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग विच इज गोइंग टू मेक लेस अ लॉट मोर. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे स्टूडेंट्स पिंड है कॉमेंट सेक्शन में. आप vdnt.in/ypro पे भी जा सकते हो. कोड ANKPRO लगाना है, ये मत भूलना. एंड इफ यू एक्चुअली डू द कैलकुलेशन पीपल, टिल मार्च 12th आपको ये सिर्फ 12 रुपीज पर सेशन पे मिल जाएगा. एंड फॉर वन मंथ यू गेट एट द कॉस्ट ऑफ 11 रुपीज पर सेशन. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ऑसम थिंग यार, तुम लेज के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए से ज्यादा पैसे खर्च करते हो, है ना. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, vdnt.in/ypro पे भी जा सकते हो. कूपन कोड ANKPRO लगाना मत भूलना वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेस एनी थ्री मेन फीचर्स ऑफ द फॉरन पॉलिसी ऑफ हिटलर. तो मैं एक बार फटाफट कैमरा का फोकस चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये हमेशा चला जाता है फोकस के बाद, इसे पसंद नहीं है मुझ पर फोकस करना, आप लोग कर लो फोकस. तो एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, उसकी पॉलिसी, ठीक है, हिटलर की पॉलिसी क्या थी, इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ अग्रेशन. ही हैड अ पॉलिसी ऑफ अग्रेशन एंड वॉर विच वॉज टूवर्ड्स अदर कंट्रीज, टूवर्ड्स फॉरेन नेशंस, दैट इज वॉट ही यूज टू डू. ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद ही केम इन कंट्रोल. फिर पब्लिक रिलेशंस, बाकी इंटरनेशनल रिलेशंस भी मेंटेन करने थे, उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत ही अग्रेसिव हो गए. किसी भी चीज़ का जवाब ना, ईंट का जवाब पत्थर से वाली चीज़ पर, टिट फॉर टैट में बिलीव करते थे. इनफैक्ट किसी ने अगर उनके साथ बुरा नहीं भी किया, ही वुडंट बैक डाउन. वो वैसे ही कहते थे, नहीं नहीं मैं आराम से नहीं, मैं थप्पड़ मार के ही बात करूंगा. बिल्कुल गांधी जी के अपोजिट थे, बिल्कुल भी नहीं सुनते थे. इनफैक्ट गांधी जी ने उन्हें एक लेटर भी लिखा था कि सर ये जो वर्ल्ड वॉर है ये बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर रहा है, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि दे हैड स्टार्टेड एवरीथिंग. ही डिड नॉट लिसन, ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड. इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते थे. उनकी पॉलिसी थी कि मारो या मरो, मरने में तो मरना तो था नहीं, तो मार कर के चलते थे. ठीक है, दूसरी चीज, एक पीस लीग, पीस इंश्योर करने के लिए, वर्ल्ड पीस इंश्योर करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी, है ना. लीग ऑफ नेशंस बनी थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, आफ्टर उसके रिजल्ट में, तो इंश्योर कि कोई भी वर्ल्ड वॉर वन जैसा वर्ल्ड वॉर टू ना हो. इन्होंने कहा ये बेकार है, ये बिल्कुल रद्द दिए, ये फालतू है, इसमें जाकर के कोई फायदा नहीं है. एंड दे हैड बैक्ड आउट ऑफ इट. हाउएवर इट प्रूव्ड राइट, दे प्रूव्ड इट राइट, उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू शुरू भी करा दी. लेकिन द पॉइंट इज कि दे वर देयर टू इंश्योर कि भैया नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड वॉर. ठीक है, आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो. बट ही डिड नॉट बिलीव इन इट, ही बिलीव्ड इन वॉर, सो ही बैक्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड सेड कि नहीं. इनफैक्ट जो उनके दो लीडर्स थे, फ्रांस और ब्रिटेन, उनमें से एक पे अटैक भी कर दिया जब उनको समझाया जा रहा था कि ऐसा मत करो. और ऐसे वैसे नहीं किया था, उन्होंने दो लोगों को अपनी टीम, मतलब एक बंदे को अपनी टीम में भी ले लिया था, दो लोगों की टीम बना ली थी ऑस्ट्रिया के साथ. ठीक है, ऑस्ट्रिया उनके
बहुत पुराने फ्रेंड्स थे, ओल्ड फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि रिश्ते दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं, दे बिकम लाइक बिकेम लाइक ब्रदर्स एंड टुगेदर दे फॉट अगेंस्ट द लीग ऑफ नेशंस, कि नहीं हम मिलके लड़ेंगे क्योंकि हम एक अंपायर है, सॉरी एक एम्पायर है, नॉट अंपायर, वन एम्पायर, वी आर लाइक वन एम्पायर, हमारे एक ही लीडर होनी चाहिए, हमारे लोग एक ही तरह के, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने उस चीज़ पर जोर डाला और जुड़ गए, साथ में लड़ने लगे, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने जो है सुडेटन लैंड, सॉरी वन सेकेंड, इसमें क्योंकि कुछ जर्मन स्पीकिंग लोग थे उस पर भी कब्जा जमा लिया था चेकोस्लोवाकिया के एक जो है पार्ट पे, तो उनको लगता था कि जो है ना सब मेरा है, मुझे किसी की सुननी ही नहीं है, ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, ठीक है। सो ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ अग्रेशन एंड वॉर टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, रीऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1936, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंदर राइनलैंड जो है वो दूसरे ब्लॉक को, विनिंग ब्लॉक को दे दी गई थी, ठीक है, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire, One Leader. He also went on the rest German speaking Switzerland land from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. तो उन्होंने कहा कि भैया सुनना ही नहीं है, पीछे बैक डाउन करना ही नहीं है, सब जो है मुझे चाहिए, ठीक है। अब हमें एक फटाफट शॉर्ट नोट लिखनी है द स्पार्टसिस्ट लीग पे, बच्चा एक सिंपल सी बात समझ लो, ये जो है वर्ल्ड वॉर वन के बाद फॉर्म हुई थी, ठीक है, ये एक रिवोल्यूशनरीज की स्पेशलाइज्ड ग्रुप थी, यहाँ पे लोग आकर कहते थे कि नहीं ये जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है ये नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसको फाइट करने के लिए वी नीड टू यू नो अपोज द वॉर दैट जर्मनी इज गेटिंग इनटू, अगर वॉर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे ड्रेन होंगे, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे वर अगेंस्ट द वॉर, दे वॉन्टेड इट टू एंड, ठीक है। उसके बाद दे वर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड बाई वॉट, इंस्पायर्ड बाई द रशियन रिवोल्यूशन, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन की किस चीज से, सोशलिज्म से, तो उनको चाहिए था कि कम्युनिस्ट जो सेटअप है ना वो यहां पे भी हो जाए, ठीक है। हिटलर को बड़ा नफरत था इनसे क्योंकि ही वाज नथिंग लाइक कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट का हो ऐसा हो, नहीं नहीं सोशल वेलफेयर नहीं, डिक्टेटरशिप, एक ही बंदे की होनी चाहिए, बाकी लोगों का कोई हक नहीं है, सब उनके अंडर रहेंगे, तो इसलिए उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे वो जो 50 लोगों की लिस्ट थी ना जिसमें उनको लोग कोई नहीं पसंद थे, उनमें से ये कम्युनिस्ट वाले लोग ना पार्टी वाले लोग सबसे नंबर वन पे स्टैंड करते थे, तो सबसे पहले उनके पीछे पड़े थे, उनको ही डंडा मार के जेल भगाया था, ठीक है। सो द स्पार्टसिस्ट लीग वॉज अ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ग्रुप, देखो सोशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, विच वॉज फॉर्म्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्यों, they were opposing the war, they were against the war that Germany was going under because they felt ये financial crisis उसकी वजह से हो रहा है and it's like a loop, financial crisis war की वजह से हो रहा है, war की वजह से financial crisis में है Germany, ठीक है, both everything they felt कि उसमें ही जा रहा है and because of their participation in the first world war, उन्हें लगा कि बस world war से निकल जाते तो हमारी हालत इतनी खराब नहीं होती, gradually it became a movement, तो धीरे धीरे ये group जो है group changed into a big movement, ज़्यादा बड़ी movement में change हो, as the workers joined into the demand a Soviet style government, unko Russian revolution se inspiration mili, socialism aur communism ko zyada seriously lene lag gaye the ye log, and the movement was suppressed by the Weimar Republic and the Spartacists formed the Communist Party of Germany, to inhone jo hai Communist Party form ki thi which was completely against the ideologies and philosophy of Hitler. Next question, what brought about the great economic depression, मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से बताती हूँ, आप देख लो, अमेरिका जो है वो बीच में आया टू रेस्क्यू जर्मनी, किस चीज से, जर्मनी में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो उन्होंने एक प्लान, डॉस प्लान के थ्रू छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में उनको पैसा लोन देना शुरू किया कि उसके बाद वो रिवाइव कर सके, लेकिन तभी जो है वॉल स्ट्रीट को लग गया झटका, उनकी जो स्टॉक मार्केट थी वो चेंज हो गई और आया दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन, इस रिसेशन ने दुनिया को लोगों को हिला के रख दिया था एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज ग्रेट इकोनॉमिक
इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं जवाब। देयर वाज सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन जर्मनी, इनस्टेबिलिटी इन जर्मनी, सॉरी आफ्टर द इंस्टेबिलिटी दे हैड सम कॉन्स्टेंट यू नो स्टेबल सेटअप इन 24 to 28। शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ यू एस हेल्प इंडस्ट्रियल रिकवरी ऑफ जर्मनी। इन 1929 व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज गॉट क्रश्ड द यू एस विदड्रू ऑल द लोन्स। उन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास खुद के पास पैसे नहीं बचे, पीपल रश्ड इन टू सेल देयर शेयर्स एज दे थॉट दैट द प्राइसेस वुड गो डाउन ड्रास्टिकली। इट वॉज सेड दैट ऑन 24 अक्टूबर अलोन अबाउट 13 million शेयर्स वर सोल्ड। सिर्फ एक दिन में इतने शेयर्स सेल कर दिए गए थे। दिस ब्रॉट अबाउट द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, बहुत बड़ा रिसेशन आया था। ठीक है, इसने पूरी दुनिया को, नॉट जस्ट जर्मनी, एंटायर वर्ल्ड गॉट अफेक्टेड बाय दिस। सोचो इतनी बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका की। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ 5 mark क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वाइमार रिपब्लिक। देखो वाइमार रिपब्लिक के पास बहुत सारी चैलेंजेस थी, बिगिनिंग विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इसने बहुत सारे चैलेंजेस दिए थे। एक तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा सहना पड़ गया था, जिसकी वजह से अपने लोग, ओन पीपल वर अगेंस्ट देम, गॉट अगेंस्ट देम, उनके फेवर में थे नहीं थे। उनको लगा कि दे कुड हैव हैंडल द सिचुएशन बेटर, दे हैव नॉट, इसलिए हमें इतना ह्यूमिलिएट होना पड़ गया है और डेट के जो जो वॉर के डेट्स है वो भी पे करने पड़ रहे हैं, वॉर डैमेजेस। और उसकी वजह से आया फिर क्या, फिर इकोनॉमिक कंडीशन आप देख लो, तो आ गया था इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसमें क्या हुई थी, हर एक चीज की प्राइस जो है वो राइज कर गई थी, राइज ऑफ प्राइसेस। तो इकोनॉमिकली ऐसा चल रहा था। पॉलिटिकली अगर बात करें तो ये बहुत ही इनस्टेबल थे, कभी फॉर्म करते थे, कभी ब्रेक कर देते थे, गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट था, उसके बाद इनके वोटिंग प्रोसेसेस भी डिफरेंट थे, प्रोपोर्शनल वोटिंग होती थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा इरेग्युलरिटीज हमें देखने को मिल रही थी। इनका जो आर्टिकल 48 था उसके अंडर कभी बनाते थे, कभी बिगाड़ते थे, कोलिशन गवर्नमेंट जैसा कुछ सेटअप करके रखा था, बहुत ही ज़्यादा पावर को लेकर के डिस्प्यूट चलता रहता था, और उसकी वजह से पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो काफ़ी इनस्टेबल हो गई थी। ऐसे में हमें ज़रूरत थी कि कोई एक बंदा आए और पूरी सोसाइटी को संभाले, और तभी आ गए थे हमारे विलेन कम हिटलर, जिनका जो भी नाम ले लो। ठीक है, तो द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वाइमार रिपब्लिक वर वर्सलीज ट्रीटी। पॉइंट नंबर वन, वर्सलीज पीस ट्रीटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्पोज जर्मनी ऑफ इट्स टेरिटरीज। जो उनकी राइनलैंड वगैरह जैसी जगह थी वो छीन ली गई थी। इट्स रिसोर्सेज एंड इट्स प्राइड एज अ नेशन। प्राइड, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर उनके ईगो को, प्राइड को, रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं किया गया होता तो शायद वो बेटर जगह पे होती, वर्ल्ड वॉर टू शायद नहीं हुआ होता। जर्मनी ऑल्सो हैड टू पे £6 billion एज वॉर कॉम्पनसेशन। सोचो ये हालत हो गई थी, इतने पैसे देने पड़ गए थे, वॉर ने ऑलरेडी उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को काफी डिप्लीट कर दिया था, उसके ऊपर से उनको डेट भी देने पड़ गए थे। डैमेजेस सिर्फ उन्होंने किया नहीं था, उनके अपने डैमेजेस भी काफी हुए थे, बट पीपल वर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। In spite of the harsh terms, the Weimar Republic accepted the humiliating treaty, thereby making it unpopular amongst the German masses. इसीलिए जर्मनी के लोगों को लगा कि ये गवर्नमेंट हमें डुबा रही है, हमारा नाम कटा रही है, नाक कटा रही है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रहा था, जर्मन स्टेट वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड, बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो गए थे ड्यू टू द ओवरवेलमिंग वॉर डेट्स विच दे हैड टू पे इन, विच हैड टू बी पेड इन गोल्ड। सब्सिक्वेंटली गोल्ड रिजर्व्स डिप्लीटेड एंड द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्केट फेल। ठीक है, जो उनके पैसों की वैल्यू थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पैसे, तुम ऐसे कह रहे हो कि महंगाई बढ़ेगी या हमसे ज्यादा पैसे ले लो, हम भर भर के पैसा छापेंगे, उसकी वजह से उनकी वैल्यू काफी डिक्रीज हो गई थी। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज ड्रामेटिकली, फूड एटसेट्रा वॉज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस, ब्रेड वगैरह काफी महंगे प्राइसेस पे मिल रहे थे। पॉलिटिकल डिफेक्ट्स की बात करें तो द वाइमार रिपब्लिक वॉज वीक ड्यू टू द इनकॉरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटीज सच एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड आर्टिकल 48 विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी एंड रूल बाय डिक्री। जब मन करे वो अपने इमरजेंसी लगा देते, लोगों की बात नहीं सुनते थे, कभी गवर्नमेंट फॉर्म करते थे, गवर्नमेंट ब्रेक कर देते थे। ये कॉन्स्टेंटली एक इनस्टेबल, बहुत ही फिकल सिचुएशन उन्होंने वहाँ पर क्रिएट कर रखी थी। द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम सीम्ड टू गिव द पीपल नो सोल्यूशन
solutions or benefits in the times of severe economic crisis. कोई solution उन्होंने इन सारे problems के लिए नहीं दी थी. Moving on to the next 5-mark question. What steps were taken by Adolf Hitler for the destruction of democracy? उन्होंने cause करा दी थी fire, caused fire. Fire breakout करा दिया and blamed his enemy. कहा कि इन लोगों ने कराया है, ठीक है. उसके बाद इसी के अंडर जो है उन्होंने पावर सीज कर लिया, चांसलर बने, उसके बाद डिक्टेटर बन गए, डिस्ट्रॉय कर दी डेमोक्रेसी और फिर धीरे 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 करके सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया, लोगों के पीछे पुलिस लगा दिया, ऐसे ऐसे करके उनके राइट्स छीन लिए और वैसे बन गए थे वो हिटलर या फिर डिक्टेटर, ठीक है. So the following steps were taken. A mysterious fire that broke out in German parliament building in February 1933 indefinitely suspended civic rights. So यहाँ पे civic rights, ये देखो यहाँ से शुरू होता है, this is the start. उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐसा हो गया है हमें पता नहीं है कि हम पे कौन अटैक कर रहा है, हो सकता है हमारे दुश्मन करें, बाकी कंट्रीज उन्होंने अभी भी वर्ल्ड वॉर वन का बदला लेना नहीं छोड़ा है लेना, तो उनसे बचने के लिए हमें राइट्स जो है सस्पेंड करने होंगे क्योंकि वो जो स्पाइज है यहाँ हो सकते हैं, ठीक है. It said that the fire was broken out by Hitler's supporters while Hitler blamed his political enemies for it. Not just political, the different countries as well, right? And the fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended the civic rights such as freedom of expression, speech, press. So basically क्या हो रहा है? Censorship. ठीक है, और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि उनके ऊपर सेंसरशिप लग गई है, उनकी डेमोक्रेसी चली गई है, ठीक है. सो एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ अप्लाई कर दिया गया. आफ्टर दैट अडोल्फ हिटलर टर्न्ड ऑन हिज एनिमी, दैट इज द कम्युनिस्ट ऑफ जर्मनी. मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट्स वर क्विकली पैक्ड ऑफ टू द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वॉज सीवियर, देयर मेंबरशिप वॉज इन थाउजेंड्स. दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ द विक्टिम्स परसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री. देखो मैंने बोला ना कम्युनिस्ट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी और 52 टाइप के लोग थे जिनसे बड़ा बहुत ही गुस्सा होते थे वो, ठीक है. ऑन 3rd मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास, द एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. बहुत ही बुरा, हिस्ट्री में सबसे बुरा एक्ट रहा है, आप ऐसे समझ लो. इट गेव अडॉल्फ हिटलर ऑल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू साइडलाइन जर्मन पार्लियामेंट एंड रूल द डिक्री, रूल बाय डिक्री, कि वही लॉ का एक फॉर्म बन जाए. तो ऐसी थी हालत जर्मनी की. इसी के साथ खत्म होता है हमारा सेशन आज का. फटाफट देख लेते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ. पहले दो टॉपिक्स हमने कर लिए हैं फिनिश. होमवर्क क्वेश्चन है, हु वर मॉकिंगली नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स? सोशलिस्ट्स, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स और ऑल ऑफ द अबव. और बच्चों ये हमारा शेड्यूल, जो अगर आपने मिस कर दिया होगा, प्रीवियस सेशन हमने सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट 2 पे लिया था. ये आज का सेशन था हमारा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पे. कल नेक्स्ट सेशन आएगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर, तो मिस मत करिएगा. एंड एट द सेम नोट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. डिस्काउंट इस कोड से मिलेगा, ये कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्प्रिंट सेशंस आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, किसी पे भी मिस मत करना. फाइनल एग्जाम के लिए बेस्ट तरीका है प्रिपेयर करने के लिए. एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक द वीडियो. Keep sharing with your friends. Have a great evening and take care of yourself. Stay home, stay safe. Till I see you the next time. Bye guys. Have a great evening. Good night.